Subscribe and click the bell icon for all the television updates. So, आज मैं हूँ टेली मसाला के साथ और मेरे साथ हैं बिग बॉस 12 से सौरभ पटेल. वेलकम टू क्यूटेस सौरभ. और ये थोड़े थके हुए लग रहे हैं. जब मैंने उनकी स्किन देखी तो थोड़ी स्ट्रेस्ड लग रही है. तो देखते हैं कि आज हम आपको कैसे रिलैक्स कर सकते हैं यहाँ पे और कैसे आपकी स्किन को थोड़ा और उसमें लाइफ ला सकते हैं. तो सौरभ वेलकम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इन्वाइट किया मुझे और देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे आप मेरे स्ट्रेस को दूर करते हैं. बिल्कुल, आप बिल्कुल अपना स्ट्रेस भूल जाइए. आप यहाँ पर हैं, ये एक स्किन क्लिनिक है. मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ. तो व्हाट हम आज आपकी स्किन में थोड़ी सी ऑक्सीजन डालेंगे, बिकॉज क्या होता है ना, स्ट्रेस से थोड़ी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. बहुत सारे ऑक्सीजन रेडिकल्स बनते हैं जिससे कि जो कि ऑक्सीजन कम कर देते हैं. तो हम आपको आज ऑक्सीजन फेशियल करने जा रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, आप बहुत रिलैक्स करने वाले हैं. शायद अगर आप स्नोर करते हैं तो आप सो भी जाएंगे. तो शुरू करते हैं आपका ट्रीटमेंट और बाकी सब भूल जाते हैं. जैसे आप देख सकते हैं सौरभ यहाँ आए हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और अब हम जाके उनसे बातें करेंगे. और पहले जानेंगे कि अपनी जो ये टेंशन भरी वाली थोड़ी बहुत जो उनका माहौल था उससे थोड़े बाहर निकले और कितना पैम्पर किए और कितना ज़्यादा इन्जॉय किए, ये सब हम जानेंगे. और साथ में सौरभ की लाइफ के बारे में भी कुछ ऐसे खुलासे मैं यहाँ पर करूँगी जो आई थिंक सौरभ पहली बार टेली मसाला पर बताएंगे. तो चलिए और देखते हैं कितना ज़्यादा इन्जॉय किए हैं. वैसे लग तो रहे हैं काफ़ी इन्जॉय किया है, पर इन्जॉय अब करेंगे क्योंकि इंटरव्यू का टाइमिंग अब है. ओके सौरभ, कितना ज़्यादा इन्जॉय किया ये पूरा जो ट्रीटमेंट आज जो टेली मसाला के साथ आपने किया है? बहुत बहुत ही इन्जॉय किया और बहुत ही अच्छा लगा. अच्छा लगा था इतना ज़्यादा इन्जॉय करने का मौका मिलेगा जब मैंने कल आपको ये बोला था कि आपको यहाँ पर आना है? नहीं ऐसा कल तो इतना ज़्यादा वो नहीं लगा था, लेकिन आज जब इन लोगों ने ऐसा ट्रीटमेंट किया, इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ट्रीटमेंट के बाद मुझे. अच्छा कितना वक्त खुद के लिए निकाल पाते हैं? अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूँ, कभी कुछ ऐसा करवाने के लिए? नहीं ऐसे ऐसे तो कभी नहीं कराया मैंने. ये मेरा पहली बार है ये ट्रीटमेंट और नॉर्मल लाइफ में नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता जो मैं आज किया है मैंने. अच्छा सौरभ, लोग आपकी उतनी ही जर्नी जानते हैं जितना बिग बॉस में थे. मैं पर उससे हट के कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहूँगी और होप सो आप हमें बताना चाहेंगे अपनी लाइफ के बारे में. तो कुछ मेरे ऐसे सवाल हैं कि सौरभ, जब आप काम करते हैं तो कौन कौन से ऐसी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब एक किसान काम करने उतरता है तो? और कितना डिफिकल्ट होता है एक ऐसी लाइफ, क्योंकि बाहर से देख कर हमें सिर्फ अनाज नज़र आता है पर वो सारी चीज़ें नहीं नज़र आती है जो शायद आप अलग एक नज़रिया लोगों को बता पाएँ. जब भी हम खेत जाते हैं तो हमें वो जो खेत के अंदर जाना है उसमें कभी कभी क्या होता है, कटाई के बाद फिर हमें वो मट्टी पलटानी होती है और नई खेती करनी होती है. तो हमें कुछ ऐसे जो हम पहले खेती कर चुके होते हैं उसके डंठल बोलते हैं हम उसको, वो पेड़ के छोटे छोटे रह जाते हैं. तो कभी कभी हमें वो ध्यान देना होता है कि वो पैर में ना लग जाए, तो हम नंगे पैर भी खेतों में चले जाते, कभी कभी जूते पहन के भी चले जाते, लेकिन ज़्यादातर जूते पहन के इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वो जूते उसमें फंस सकते हैं खेत में, खेत की मिट्टी बहुत टाइट होती है, तो हम नंगे पैर ही जाते हैं ज़्यादातर. तो हो सकता कभी कभी लग भी जाता है. वो चावल की खेती में हम एक खेत में पूरा घना चावल लगा देते हैं और फिर उसके छोटे छोटे पेड़ को ना अपने हाथों से हर खेत में लगाते हैं लाइन से. पहले एक खेत में घना पूरा लगा दिया चावल को, फिर उसको निकलवा के लेबर से हर खेत में लगवाते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर सूखता है वो. अगर उस सूखने के बाद पानी गिर जाए, सूखने के बाद पानी गिर जाए तो सारे खेत की जो फसल है वो ख़राब हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसा नहीं है कि हम कोई छोटी सी चीज़ है कि इसे छुपा के रख लें या फिर इसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी ढाक दें जिसमें पानी का असर ना हो. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोगों को ज़रूर, किसानों को कभी ना कभी एक आदर और सम्मान देना चाहिए. मुझे नहीं, मैं सारे किसानों की बात कर रहा हूँ पूरे दुनिया के, भारतवर्ष के, क्योंकि
वो नारा बहुत ही अच्छा है कि जय जवान जय किसान, क्योंकि वो नारा ही इसलिए लगाया जाता है कि एक जवान है जो हमारे देश को बचा रहा है दुश्मनों से और एक किसान है जो आपको भूख से बचा रहा है। अच्छा सौरभ, बिग बॉस हाउस में जो भी जाता है एक लव स्टोरी कहीं ना कहीं देखने मिल ही जाती है, पर आपके साथ वो चीज़ नहीं हुआ। शायद वो शुरुआत होने वाली थी पर वो हुआ नहीं। अगर मैं ऐसे रियल लाइफ में बात करूँ तो सौरभ सिंगल है या किसी के साथ अभी? तो ऐसा है कि हर कोई किसी ना किसी के साथ है, हो सकता है कोई है तभी शायद वो किसी को नहीं देख रहा है, या फिर ऐसा सभी की लाइफ में है। तो हाँ, है या नहीं है ये तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन है ही तभी किसी की तरफ ध्यान नहीं जाता है, तो देखते हैं। लेकिन जब भी हम शादी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आप सब लोगों को इनवाइट करेंगे जरूर। अच्छा, मतलब ये मान सकते हैं थोड़ा सीरियस एक रिलेशनशिप में जो बहुत जल्द शादी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं लड़की पर कुछ जानना चाहूँ तो क्या आप बताना पसंद करेंगे? आप अगर नाम नहीं लेना चाहेंगे तो भी चलेगा, पर पहली मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, अगर देखो मैं जैसा हूँ, अगर मेरे जैसा कोई मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात होती। सारी दुनिया में सारे लोग यही चाहते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसे ही मुझे सामने वाला पार्टनर चाहिए। तो हाँ, उसमें सारी क्वालिटी है और बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ही अच्छी है। और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ कि जब शादी में आएंगे तो ज़रूर मिलवाऊँगा आपको। अच्छा साहब, लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट लोगों को मिलते रहते हैं, मुझे अभी भी लोग सारे लोग यही बोलते हैं कि आप सच में खेत की, मतलब अपने देश की मिट्टी से जुड़े हुए इंसान लगते हो। कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा तभी बोला होगा, और किसी एक ने नहीं बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला। और बोले जब आप बिग बॉस हाउस में थे तो ये पानी की तरह थे, मतलब जैसे हो वैसे दिखते थे, हम्बल और नेचर वैसा हो। वैसे मेरा है ही, मैं कभी, मेरे को ना वैसे बोलते ना कि वो घमंड और ये सब मुझे नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा सही है। कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों में पहुँच जाऊँ, जैसा आपको सौरभ पटेल आज दिखता है वैसे ही कल दिखेगा, वैसे ही परसों दिखेगा, मैं वैसे ही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि एक खेत की मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है और मैं लगता हूँ वैसा, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपने, आपको जो मैंने बताया है उसमें ज़रूर आप उस चीज़ के बारे में सोचना, किसानों के बारे में सोचना, और हमेशा खुश रहो और अपने मम्मी पापा को खुश रखो, और जो आप लाइफ में बनना चाहते हो वो ज़रूर बनो। मेरी हमेशा दुआ है आपके लिए, और खूब खूब नाम कमाओ, जितना नाम कमाना हो खूब नाम कमाओ, खूब अपने शहर का नाम करो, अपने देश का नाम करो, सारी चीज़ें करो, और बिल्कुल मेरी दुआ है दम लगा के बिल्कुल लग जाओ काम पे। सौरभ, आपका ट्रीटमेंट हो गया है, बताइए प्लीज़ दर्शकों को भी कि आपको कैसा फील हुआ, ट्रीटमेंट कैसा था, बिकॉज आप थोड़े स्किन बहुत टायर्ड लग रही थी पहले, अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं बता नहीं सकता शब्दों में कि कितना अच्छा लग रहा है। बस यही कहूँगा कि क्यूटिस क्लिनिक में आप ज़रूर आएँ, और एक बार ज़रूर आएंगे ना आप, मेरी गारंटी, आप बार बार हमेशा ही और बार बार आते रहेंगे यहाँ पर, कि कोई इतना अच्छा फील हो रहा है ना मुझे कि मैं बता नहीं सकता, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमने ये बिल्कुल श्योर किया है कि आप दोबारा आएँ, इसलिए हमने आपके लिए थोड़े से स्किन केयर प्रोडक्ट्स और वाउचर्स, और इससे आपको कंपलसरी दोबारा आना ही पड़ेगा। क्यूटी से आपकी स्किन केयर गाइड, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो स्किन से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और थैंक यू टेली मसाला फॉर गेटिंग सौरभ हेयर, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।